नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। ठीकरी सेगवाल फाटे पर मजदूरों के लिए बैठे भूख हड़ताल पर मेधा पाटकर और एमडी चौबे, जिनका आज अनशन का चौथा दिन था, आज उन्होंने 12 बजे अपना उपवास समाज सेवी पवन अग्रवाल एवं प्रदीप मित्तल, तन्मय मित्तल द्वारा नारियल पानी पिलाकर खोला। मेधा पाटकर ने बताया कि हमारी बात महाराष्ट्र के प्रशासन से हुई, वहाँ के प्रशासन ने एसटी बसें चालू की हैं और मध्य प्रदेश प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और सभी राज्यों की सीमाएं खोल दी है, जिससे सभी मजदूर वर्ग अपने घरों की ओर आ जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बरू फाटक के समाजसेवी पवन अग्रवाल, प्रदीप मित्तल, जिन्होंने भूखों को भोजन भी करवा रहे हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए हम अपना उपवास खोल रहे हैं, पर मजदूरों के लिए हमारा संघर्ष चलता रहेगा। ठिकरी से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। मैम, आप आज कितने दिन हुए आपको? चौथा दिन शुरू हुआ। और आप ये जो अनशन तोड़ा, इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हम तो एक तो जो यहाँ की व्यवस्था में सब लगे रहे, उसमें सेंचुरी मिल वर्कर्स भी थे, लेकिन साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ के जो बरू फाटक के जो समाज सेवी समूह के पवन अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जिस मुद्दे को हम लोग ठोस रूप में एक एक जगह पे हासिल करना चाहते हैं, उसमें एक मुद्दा है श्रमिकों को पैदल चलने के लिए मजबूर न करना, जो अत्याचार है। शासन को एक प्रकार से खोलनी पड़ी सीमा, महाराष्ट्र को 10,000 बसेस देनी पड़ी, क्योंकि वहाँ के मजदूर जो अटके पड़े हैं उनके बाद भी हम लोगों ने नंदुरबार जिले से लेकर यहाँ तक उठाए। आज मध्य प्रदेश की सीमा खोलने के बाद वाहन तो यूपी के सीमा तक पहुंच जा रहे हैं और यूपी के भी अधिकारियों के साथ बातचीत हमने करवाई मध्य प्रदेश की, और हम खुद भी कर रहे थे। कम से कम सीमा बंद उगड़ करते करते आखिर में खुल दी गई है, पर फिर भी तकलीफ है उस जगह पर। लेकिन रेलवे चालू होना बहुत बड़ी बात है। अब रेलवे जो चालू हुई है उसके आधार पर ही और लाखों लोग हैं। महाराष्ट्र में तो यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा लोग रोजगार पाते हैं, तो वो कैसे वापस जाएंगे? रेलवे में इन्होंने ऑनलाइन डाला, पिन लाइन डाला, लेकिन कुछ चला नहीं, इसलिए वो पैदल चल पड़े। अब राज्य शासन ने मुफ्त में व्यवस्था करनी चाहिए थी, सरकार ने नहीं की, संवाद भी नहीं किया। पर यहाँ बरू फाटक के जैसे जो समाज सेवी समूह हैं, उन्होंने न केवल संवाद किया पर श्रमिकों के साथ साथ ट्रक ड्राइवरों को और सबको खिलाया। हम यही तो ऐलान कर रहे हैं आज कि पूरे समाज कार्यकर्ताओं ने अब राहत से आगे ये काम भी उठाना चाहिए और इसके आगे जाकर पलायन न करना पड़े, ऐसी स्वयंसेवी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो हर गांव को हर जिले में रोजगार कम से कम निर्माण करे। सर, आपका नाम? पवन कुमार अग्रवाल। सर, आप जो आज मैडम का उपवास तोड़वाया है, आपने क्या आश्वासन दिए? आश्वासन कुछ नहीं है, मैं एक समाज सेवी होने के नाते मेरे द्वारा विगत एक माह से ऊपर हो चुका भोजन का भंडारा लंगर बरू फाटक हमारा साथियों द्वारा सबके द्वारा चलाया जा रहा था। दीदी के द्वारा जो मजदूरों की जो परेशानी और तकलीफ को देखते हुए जो आंदोलन किया जा रहा था, उसके लिए जो धरना दिया जा रहा था विगत आज 4 दिनों से, दीदी ने भी कुछ चीज़ें यहाँ बैठ के देखी कि इस क्षेत्र में कौन से संगठन, कौन से समाज सेवी लोग सेवा कर रहे हैं, इसी को देखते हुए और दीदी के जो लड़ाई है मजदूरों के ले जाने लाने की, उनके घर तक पहुँचाने की जो समस्या के लिए दीदी अनशन पर बैठे हैं। मैं परसों भी दीदी के पास आया था रिक्वेस्ट करने की, दीदी हमारे क्षेत्र से ना कोई भूखा जाएगा और ना कोई प्यासा जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी, हमारी जितनी कोशिश होगी अधिक से अधिक लोगों को, साइकिल वालों को, पैदल यात्रियों को गाड़ी में बिठाया जाएगा, उनके घर तक या जहाँ तक जा भेज सकते हैं हम उन लोगों को, यूपी बिहार राजस्थान से जो लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, जिनकी सेवा हम लगातार एक महीने से करते भी आ रहे हैं और आगे भी करने का दीदी को हमने आश्वासन दिया कि दीदी ना हमारे से हम किसी को भूखा निकलने देंगे और ना कोई पैदल जाएगा। इसी बात को लेकर दीदी के पास आज हम आए और दीदी से हमने निवेदन किया।